बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जायकों की दुनिया में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब अपने घरों में खुश और आबाद रहें। आज मौसम बारिश वाला है तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का हलवा। सूजी का हलवा बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत ही कम वक्त में बन जाता है। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने 1 कप सूजी ली थी। ये 1 कप सूजी, जितनी सूजी लेनी है उतनी ही चीनी लेनी है। ये मैंने उतनी ही चीनी ले ली है। तीन से चार खाने के चम्मच देसी घी, आधा कप ऑयल, एक खाने का चम्मच बादाम कटे हुए बारीक कटे हुए और एक खाने का चम्मच पिस्ता, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। जितनी सूजी लेंगे हम उसे 3 गुना हमने पानी लेना है। तो ये मैंने पानी भी मेयर करके रख लिया है। तो आइए अब हलवा तैयार करते हैं। सबसे पहले पैन में हम थोड़ा सा ऑयल गर्म कर लेंगे। ये जो मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है इसको मैं पैन में डाल दूंगी और इसे गर्म कर लूंगी। इसके साथ ही ये देसी घी भी हम ऐड कर देंगे। ये देसी घी भी मैं सारा नहीं डाल रही और 1 चम्मच में लास्ट के लिए बचा के रखूंगी। अभी ये थोड़ा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे। फ्लेम को मीडियम पर रखना है। ऑयल गर्म होना शुरू हो गया, ये हम इलायची पाउडर डाल देंगे। सूजी के हलवे की तरह सूजी की खीर भी बहुत ही मज़ेदार बनती है। सूजी की खीर बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है और बड़ों के लिए भी बहुत अच्छी है, लेकिन ख़ास तौर पर बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। ये इलायची पाउडर की खुशबू आना शुरू हो गई है तो अब हम इसमें सूजी डाल देंगे। ये सूजी मैं ऐड करती हूँ इसमें। और इसको अब हमने गोल्डन करना है। फ्लेम को मीडियम से भी थोड़ा कम कर लेंगे, मीडियम टू लो ले जाएंगे। अब सूजी को हम अच्छी तरह से भून लेंगे, लाइट गोल्डन करेंगे। फ्लेम को लो से मीडियम पर रखना है और इसको हल्का गोल्डन करना है और चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है ताकि ये किनारों से डार्क ना हो जाए। इलायची और देसी घी की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे और इसको लाइट गोल्डन करेंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे और चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है। ये चीनी ऐड कर दी मैंने और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे।
अब हम साथ ही इसमें पानी ऐड कर देंगे। ये 3 गुना पानी है, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे और साथ साथ हम इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे। अब ये चम्मच हिलाते रहेंगे यहां तक के पानी खुश्क हो जाए। हलवे को बहुत अच्छा सा भूनना है। तो पानी खुश्क होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह चीनी मिक्स हो गई है और पानी भी खुश्क होना शुरू हो गया है। इसको हम मुकम्मल तौर पे भून लेंगे। चम्मच इस दौरान मुकम्मल हिलाते रहना है आहिस्ता आहिस्ता ताकि लम्स ना बने, और जब जिस वक्त चीनी डालें उस वक्त भी चम्मच जरूर हिलाएं। अभी स्टेज पे इसका बहुत ख्याल रखना है ताकि ये ना तो लगे और ना ही इसमें लम्स बने। ये अल्हम्दुलिल्लाह हलवा रेडी हो गया है। बस अब हम इसमें ये थोड़ा सा देसी घी ऐड करेंगे। ये हलवा दानेदार बनता है और बहुत डिलीशियस होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है और इसका बहुत प्यारा कलर, बहुत प्यारी खुशबू आई है। तो मैं अब इसको बाउल में निकालती हूँ और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। बहुत बेहतरीन हलवा रेडी है। आप इसमें चीनी अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। और ये पिस्ता और बादाम मैंने काट कर रखा हुआ है, इसको हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। और ये मैं सिल्वर पेपर लगा रही हूँ, ये ऑप्शनल है। अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अगर ना लगाना चाहें तो ना लगाएं। ये हलवा मेरी अम्मी जान की स्पेशलिटी है और ये हलवा बहुत मज़ेदार बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा, और इसके साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखें। आमीन। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।